नरेंद्र भैया है अपना, करेंगे पूरी हमारी हर सपना। अब हमारा बारी नरेंद्र भैया को है जिताना। उसको सुनाए क्या? जो लोग आज भी ये बात, पहले ये बात करता था, अभी आज चुप हो गया है, लेकिन गुबागरा ये बात बोलेगा, ठीक है? पहले कोई और बोलता था, आज मोथा बोलता है, गुबागरा बोलता है। चीनी हा, वहां तक सुनना चाहिए। चीनी हा, चीनी शासन, चीनी हा, चीनी शासन। और जोर, क्योंकि कौन बोलता था हम जानता है ना, अभी हम लोगों को और जोर से बोलना। चीनी हा, चीनी शासन, चीनी हा, चीनी शासन, चीनी हा, चीनी शासन। बेलाई बेलाई नो हम बेलाई खुलूं था। आई लव यू अम्पी बोरोनी लीडरशिप आम जो रिपोर्ट खुलिया जेहतु जरा कम चीनी गुबागरा प्रोग्राम तक जगह दंग हाइन बगे बर नेतृत्व रिपोर्ट आम सगलैना बर पीसी तीनों तीन अ पास दुजना भोटार्स ती प्रमोद पानव फायका उत्तम कलय आई पी एफ तीन लीडर यूथ नि वाइस प्रेसिडेंट तरुणी कईपें रंजित कलय सुभाष कांग्रेस देवर्मा सत्यजित देवर्मा शिवा देवर्मा सन्ध्या देवर्मा बरमी नेतृत्व 196 परिवार 502 भोटार की प्रमोद आप इतिहास बना रहे हैं, आप हिस्ट्री बना रहे हैं। इनका नाम है आशीराम नरस। इसको वोट करना है। आप तो ऑफिस है, अमरपुर में अलग प्रोग्राम कर रहा हूँ, वहां मैं जाके बोलूंगा, लेकिन आपका जो भी अपना दोस्त है अमरपुर में उसको फोन करके बोलो इस बार अमरपुर से आशीराम रियाल को मोथा को जिताना है, क्योंकि आज तक हम लोग ने कभी भी एक हुकुमबारा को अमरपुर सीट से जिताया नहीं। एक एंड चांस है, जीत सकता है अगर सांसद। वो हमारा कहाँ कैंडिडेट गया वो तो उन्हें रोक दे रोक किसान रोक है पहला क्या हमला है। ये बैरिकेड तो छोड़ो, आ जाओ बैरिकेड तो छोड़ दो, आओ ये अभी का दरकार नहीं, सब लोग आओ। क्या ये बैरिकेड? आ फैली 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 फैली, आ जाओ जो बुरी बदलो बस दोबारा को देखना है ना।
ओय कमाल गेला रे हो तने रह केसा पानी दो नाही हम लोग का टिपरा सर गेला रे हो आसने रह या उपलब्ध थन दे जेने मात कोबांगवा जागा खाली तो हो उपलब्ध थन दे आजा 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 फैली फैली वीआईपी लोग आप लोग भी जमीन में बैठो ज्यादा चेयर में बैठने की दरकार नहीं है वॉलंटियर सरो कह जाओ मेरो जाओ आराम से सब बैठ जो तो आ चोक लाई नहीं किसे कोस तो खाई भाई या फा फॉर्म लाई नहीं तो जो सब लोग अपना पिपरासा है सब लोग बैठ जाओ बुबाका भी बैठ जाता चलो बैठो बैठो जो तो आसो लो जे सिरे हा ने बुबाकरा वो से आसो मन के से आसो बने तम जो तो आसो लो जे सब लोग बैठ जाओ आप पठान हैं हमको लगा कि शाहरुख खान शाहरुख खान भी तो पठान है ना तो शाहरुख खान का पिक्चर आया ना पठान आप ही पठान ये है हमारा जमातिया का बेटा महाराजा का भी शादी नहीं हुआ तो इसको हमने बोला कि इसको और पूर्णों को बोलिए ठीक है ये आपका एमएलए है लेकिन असली एमएलए बुबाकरा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ पता कि यहाँ में आप अपना एक घर ले और यहाँ का लोगों के लिए काम करें अब ये आपका घर है ओमपी आपका जगह है बाहर रह के ओमपी को इग्नोर नहीं करना और आपका पिताजी तो तीदू में पैदा अरे पढ़ाई सब यहाँ में रहना है और हाँ और 10,323 का ये भी इफेक्टिव ये हमारा पठान है पठान लाल अनारस अच्छा करप्ट नहीं है एजुकेटेड भी है शिक्षित है अगर आपने पास कराया तो ये मंत्री भी बन सकता है डेवलपमेंट भी ला सकता है मंत्री हमारा कमल कलोय कहाँ है सौदागर कहाँ अमित आपको नहीं बुलाया प्रोहे बहुत प्रोहे अमित कमल कहाँ जोरानी कॉक सरसरसी जोरानी कॉक टॉक टू ब्रह्मा भाई दी आया सुबह आप भी हैं सब लोग हैं हम आपको सबको बोल आप सब भाई पीछे क्यों रहता है आप लोग सब भाई ये ओमपी ने अमरपुर में तो आप हैं लेकिन ओमपी में आप लोग सब लोकल एमएलए आप लोग सब लोकल एमएलए और इस बार हम लोग ओमपी से सबसे पहला विजय मिशन करेगा गुरु मोदक हम आपको देता है बोलता था चीनी हाथ चीनी शासन कौन बोलता था नहीं नाम मतलब कौन बोलता था बांग्लादेशी गोबर कौन बोलता था विप्लव देव बांग्लादेशी
मैं आपको बोलूं, ये जो अपना कैंडिडेट है ना बीजेपी का, उसको प्यार से समझा के एक दिन अपने ही बुरी, थोड़ा अहंकार है अंदर में, गुस्सा है, लेकिन उसको प्यार से समझा के बुबागरा एक दिन मथा में नहीं लाया, तीतरा सा कम्युनिटी में वापस लेके आएगा, आप देखना। लेकिन इतना बड़ा बड़ा बात नहीं करना चाहिए। यहां में मीडिया है, देवराज आप है, आप तो अगरतला से आया है, सब बुबागरा से पूछते हैं, हम बैठ जाए, चलो हम यहाँ बैठे, खराब नहीं मानेगा ना, अपना मुकुम बारा के सामने बैठ के बात कर रहा है। ये जो अगरतला का मीडिया है बोलते रहता है कि बुबागरा सांप्रदायिक, हमने तो कभी भी कोई जाति के खिलाफ बात नहीं की। आसाम का मुख्यमंत्री आया, ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, बोला बुबागरा त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है, बुबागरा हिंदू का खिलाफ है। सबसे बड़ा हिंदू त्रिपुरा में कौन है, जो मां मंगल चंडी त्रिपुरा सुंदरी का रक्षा करता था, जो बाबा गोरिया का अरे पूजा करता है, जो चौदह देवता का पूजा करता है, जो सांगरमा को पूजा करता है, जो सुब्राई को पूजा करता है, कौन है आपका बुबागरा? और आसाम का मुख्यमंत्री आके आपका राजा को बोलता है हिंदू विरोधी। ये लोग सर्टिफिकेट बांटेगा हमारा पिता साहब, ये लोग सर्टिफिकेट बांटेगा हमको, बांटना चाहिए। मुसलमान को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप चिंता मत करो, कोई आपको हिंदू मुसलमान करके तंग नहीं करेगा। ये तीपरा मौथा सबको रक्षा करता है, सबको सुरक्षा देता है, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, सब लोग एक ही हैं। और ये तीपरा मौथा पार्टी 2023 में 2 तारीख मार्च को सरकार अपना खुद का बनाएगा। आज मैंने नो कॉम्प्रोमाइज करने भाषण नहीं दिए क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा बात करना चाहिए। ठीक हो सकता है, ठीक से बात किया, दिल का बात किया। और मैं लास्ट में, अभी मुझे शांति बाजार भी जाना है, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं दिल से, आई लव यू सच में। मैं बच्चा था, पिताजी एमपी था, महाराजा, महारानी भी मंत्री था, अकेला था, नियुमा में शिलोंग में अकेला रहता था, बहन लोग भी पढ़ा था, बाहर में पढ़ रहा था, कभी परिवार का सुख नहीं मिला, माँ दिल्ली में, पिताजी कहीं और, एमपी, हम अकेला रहता था, कभी भी परिवार का प्यार या सुख नहीं मिला। लेकिन जो 3 साल में आपने हमको प्यार दिया ना, जो गरीब का, जो गरीब टिपरा सा गांव का आपने जो प्यार दिया ना हमको, आपकी गला मिला, हमें किस किया, किसी ने जो हमको प्यार मिला है ना, उसके बाद मैं आपको एक बात बोल सकूं, मर जाऊंगा लेकिन टिपरा सा कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो दे करिए। आई लव यू आई लव यू टू। लेकिन ये बोलने से पहले पति से पूछ लो वरना घर में प्रॉब्लम है। हम तो आपको अपना बहन जैसा समझता है, किसी को माँ समझता है, किसी को भाई समझता है, किसी को अपना परिवार का समझता है। हमारा दिल सफा है, हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये फाइट मैं नहीं जीतूंगा अगर आपने आपके लिए फाइट नहीं किया। ये फाइट सिर्फ दुबाकरा का नहीं है, आप सबका, आप सबको कॉपरेट करना पड़ेगा, आप सबको। ठीक, तो सब लोग, अरे गुरु बदल, अरे गुरु बदल,
बैकग्राउंड म्यूजिक सब लोग अब बागरा बात करें नरक्न खुलुमा स्थानीय भारत खुलुमखा जत्न खुलुमखा सिपाए यहां में कहते हैं ना दम एकदम मौसम है रियान कलोय जमातिया देवबर्मा नुआतिया जो भी तिपरासा है यहां में बंचेर है बंचेर भी है सबको उबागरा सबसे पहले चिबाए खुलम खा बोलता है। मैं ओमपी में आया हूं ज्यादा बात नहीं करूंगा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है शरीर हामिया लेकिन अगर आप तो छाता को हटा दो छाता को हटा दो तो भाई इतना वीआईपी बनने का क्या दरकार है यार माता का मैं बोला हटा दो छत्ता इसके बाद अगर आपके सर में थोड़ा सा गर्मी लगा तो वो अमिताभ बच्चन क्या देता आपको ठंडा ठंडा कूल कूल आपको माथा में मालिश करना ठीक है आप ठीक ठीक है ओके तो बुबागरा यहां में आज आपसे आपको भाषण देने नहीं आया है सब पॉलिटिशियन लोग नेता लोग यहां आता है आपको बड़ा बड़ा भाषण देके जाता है बात के आपको खत्म करेगा आज बुबागरा का तबीयत ठीक नहीं है ये मेरा लास्ट फाइट है सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट अरे क्यों बुबागरा बोल रहा है लास्ट फाइट ये फाइट बुबागरा का नहीं है ये फाइट हमारा नेक्स्ट जेनरेशन का है ये फाइट हमारा भविष्य का है यहां में बुरी लोग हैं मैं आपको बहुत आदर करता हूं प्यार करता हूं आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है लेकिन मैं आपको बोलूं बुमा लोग ने आज बुबागरा को बदली किया पहले बुबागरा सोचता था एमपी बनेगा मंत्री बनेगा आज जब अपना बुमा लोगों को मैंने देखा है ना तो बुबागरा ने बोला अपना बारे मत सोचो बुबागरा पहले अपना बुमा लोगों को अपना सैकड़ा सिकली पूरा को इतरासा को दोहा को कुछ दे दो आशीर्वाद भगवान से आएगा अगर आप हमको प्यार करता डू यू लव मी डू यू लव मी आप हमको प्यार करता है तो हमको कुछ नहीं चाहिए आपका प्यार है काफी मंत्री नहीं चाहिए एमएलए नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए आपको कुछ देना है और बुबागरा मरने से पहले अपना बुकुंबारा को इस बार कुछ ना कुछ देगा दूसरा पार्टी भी है यहाँ में आईपीएफटी है अपना सिंधु लड़ रहे हैं हम सिंधु को भी बोलना चाहता है बीजेपी ने आपके साथ क्या किया क्या किया जोर से बोलो और जोर से बोलो सिंधु मैंने नहीं बोला पब्लिक बोल रहा है उनकी में क्यों अलग अलग फाइट करता है एक संग आ जाओ कुछ मिलेगा अपने आईपीएफटी और मथा का एक ही डिमांड हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं एनसी देवबर्मा का संग भी ठपाई हुआ आज आपके साथ ठपाई हुआ तब तक हम लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते रहेगा एक संग हो जाओ आ जाओ हम लोग जीते सिंधु वहां में घर में बैठकर
मुबारक को गाली देने से कुछ नहीं मिलेगा, एक संग आ जाओ, एक संग लड़ेगा, कुछ ना कुछ हमारा हुकूम बारा कभी मिलेगा। प्लीज और जो लोग बड़ा बड़ा बात करता है उससे बच के रहो, सच में बच के रहो। मैंने नोटिस किया, मैं बदल गया हूं, अपना बुरुई गुमालों ने इतना प्यार दिया ना, आबों ने इतना प्यार दिया, मैंने देखा। मैं भी मनो जा रहा हूँ, शांति बाजार जा रहा हूँ, किला जा रहा हूँ, ख्वाई जा रहा हूँ, कंचनपुर जा रहा हूँ। कल मैं अपना ब्रू का जगह में गया था कंचनपुर में, एक ब्रू औरत दो दिन से पेट में खाना नहीं, भूखा, कुछ नहीं पेट में, हमारे लिए फूल लाया और बोला अब्दुल बकरा हमको कुछ दो। अब हम आप हमको बोलो, हे प्रद्युत माणिक्य, हमारे पास सब है लेकिन जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, मैं अपने लिए एक पैसा भी नहीं मांगूंगा, एक राइट भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा जो पावर है, आप लोग सुन लो हम क्या बोल रहे हैं, लीडर लोग, स्पेशली लीडर लोग आप लोग समझो, आपका जो असली पावर है ना, आपका अधिकार है, आपका भूमि है। मत भूलो डुंगुर में क्या हुआ, मत भूलो कंचनपुर में क्या हुआ, मत भूलो कि आज भी बुकुमबारा के पास जमीन का पट्टा का अधिकार नहीं है। आप लोग एमएलए बनना चाहता है, आप लोग मंत्री बनना चाहता है, पहला अपना भूमि को बचाओ, अपना अधिकार लेके आओ। एमएलए एमपी तो हर 5 साल में बने गए हैं, लेकिन पहले अधिकार लेके आओ सबके लिए। 14 लाख पिपरा का किया अधिकार, और अगर आप लोग का खानसा नहीं रहा ना, सब लोग बोलता है, यहां में मीडिया भी है, हर रकम का मीडिया है, सब लोग बोलता है कि हम लोग त्रिपुरा में माइनॉरिटी हो गए। माइनॉरिटी क्यों हुआ? 1941 में, 1931 में, 19 आज से 50 60 साल 70 साल पहले तो हम लोग मेजॉरिटी था, हाँ कि नहीं? हम लोग तो 80% था, 80% था, 70% था, और आज हम लोग 30% कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग जमतिया कलोए, टाइपिंग कलोए, कलोए बंचे, रियांग जमतिया, देव वर्मा मो, ये करके एक दूसरे से फाइट करते रहा, नुआतिया जमतिया ये करके फाइट करते रहा, और आप लोग का खानसा नहीं था, कोई और आके आपका घर में बैठ, तो कॉन्टेस्ट में नहीं है। तो सीपीएम को मैं अनुरोध करता कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपका लीडर तो 5 साल में घर से निकला भी नहीं, मानिक सरकार आया नहीं, जितेंद्र बाबू अकेला क्या करेगा, क्या कर रहे हो सीपीएम में? सीपीएम ने भी हमको गरीब रखा, कुछ नहीं दिया, आज आप लोग सीपीएम करके लाल झंडा लगा के क्या मिल रहा है आपको? हमारा मौका में आओ, इस बार हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आंख मिलाकर, प्राइम मिनिस्टर से आंख बात करके कुछ लेके आएगा, आप लोग सीपीएम में रहकर कुछ नहीं मिलेगा। हो गया, कौन है? बीजेपी का लीडर। 2 तारीख को ना सब हेलीकॉप्टर दिल्ली जाएगा, सब हेलीकॉप्टर दिल्ली जाएगा, मौका जीतेगा। ये है कि नहीं? पूछो, बीजेपी लोग बहुत पैसा फेंकेगा, अभी थोड़ा दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद बीजेपी बहुत पैसा फेंकेगा, यहाँ एमपी में भी फेंकेगा। फेंक रहे पैसा? अच्छा, पैसा लेना चाहिए? वो क्या उनका पाताल ने आपसे रुपये नहीं लिया, जिन्हें बाहर विदेश जाने के लिए लिया था ना, तो आप भी पैसा लो ना, सब लोग पैसा लेना चाहिए कि नहीं? बीजेपी से लेना चाहिए? लो, नहीं 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 लो, वो उनका बाप का रुपया तो नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर से रुपया खाया है, ठीक है, बिजनेसमैन से रुपया खाया, वो ड्रग माफिया से रुपया लेता है, दिल्ली से रुपया आ रहा है, ये पैसा ना आपका है, आपका रंग है ये, तो जब बीजेपी रुपया फेंकेगा ना,
लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए। सब लोग आज तक बुकुम बारा गरीब था, वो लोग धनी था, उनके पास रंग था, हम लोग के पास रंग नहीं था। आज सब उनका रंग ले लो आप, ठीक है, उनको गरीब बनाओ, आप लोग अमीर हो। और 16 तारीख को किसको वोट करना है? तो बीजेपी का रुपया लो, आपको बात आपको।